आज मैं आपको एक ऐसे जैन श्वेतांबर तीर्थ के दर्शन कराने जा रही हूँ जिसे जैनियों का गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्षिता एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम इन हनोई। ये है श्वेतांबर जैन गोल्डन टेंपल फालना जी। यहाँ पर मूल नायक प्रतिमा संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की है जो कि ब्लैक नेचुरल स्टोन से बनी हुई है। ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। ये मंदिर में जाने का मेन गेट है। ये मंदिर मेन मार्केट में ही सिचुएटेड है, फालना में बिल्कुल सेंटर में। ये मंदिर रनकपुर जैन टेंपल से अराउंड 35 किलोमीटर्स के डिफरेंस पर है और यहाँ मंदिर से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप वहाँ से पैदल भी मंदिर तक आ सकते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप मंदिर को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग से ही चाय दूध की फैसिलिटी भी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर चाय वाला नीचे ही है जो आपको रूम सर्विस देता है दूध और चाय की। और ये जो आप मंदिर के चारों तरफ देख रहे हैं ये धर्मशाला और भोजनशाला का एरिया है। यहाँ पर धर्मशाला में लिफ्ट भी अवेलेबल है, भोजनशाला में नवकारसी और दोनों टाइम का खाना भी अवेलेबल है। ये धर्मशाला का इनसाइड व्यू है और ये रूम्स का इनसाइड व्यू है। यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स अवेलेबल हैं। मंदिर का पूरा अंदर का एरिया बहुत ही सुंदर है। सीढ़ियाँ भी बहुत सुंदर बनी हुई हैं, इस पर फ्लावर पेंटिंग करी हुई है। मंदिर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो गोल्डन ही है। आप यहाँ के पिलर्स, वॉल्स, जितनी भी चीज़ें देखेंगे उन पर बहुत प्यारी नक्काशी है और सब गोल्डन कलर्स में है जो कि रात के टाइम में लाइटिंग में बहुत ज़्यादा उभर के आता है और बहुत ही प्यारा नज़र आता है। ये मंदिर का डे व्यू है। ये भोजनशाला है, ये काफ़ी बड़ी है और यहाँ बैठने की स्पेस बहुत अच्छी है। यहाँ का खाना भी अच्छा है। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये कांच का मंदिर बना हुआ है नीचे की तरफ पूरा, यहाँ पर भी आप दर्शन ज़रूर करें। ये इस मंदिर में जाने का रास्ता है। ये मंदिर पूरा कांच का बना है। यहाँ मूल नायक भगवान की प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है। मंदिर के अंदर एंटर करते ही आपको चारों तरफ सिर्फ कांच नज़र आएंगे और नीचे तीन प्रतिमा है जिनमें से मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान है। इस मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में हुई कुछ घटनाओं का, कुछ उपसर्गों का चित्रण भी किया गया है। वो चित्र भी जो है वो कांच से ही बनाए गए हैं। कांच के बने चित्रों के जरिए आपको पार्श्वनाथ भगवान की कहानी, उनके उपसर्ग और उनके जीवन की कुछ कथाओं के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। इस मंदिर में ज़रूर थोड़ा समय लेके आए और उन्हें भी ज़रूर पढ़े। मंदिर से बाहर निकलते ही जब आप राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो आपको सामने साम रोड क्रॉस करके पार्किंग नज़र आएगी। ये जो आप सामने वीडियो में देख रहे हैं पार्किंग एरिया है और रोड क्रॉस करने से पहले ये जो तिराहा है तो इसमें राइट हैंड साइड पर जो टर्न आ रहा है यहाँ पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और लेफ्ट हैंड की तरफ मार्केट है फालना जी का। आज के इस वीडियो में मैंने फालना जी जैन तीर्थ के बारे में जानकारी दी जहाँ के तरह मैंने और भी तीर्थों पर वीडियो बनाए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे यात्रा प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में और भी तीर्थों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।